हेलो ब्रीवन, वेलकम टू चैनल दिस बिलाल सिंह मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। ये बहुत अर्जेंट मैसेज है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो अलॉटमेंट लेटर जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है राउंड वन में, चाहे आपको BDS अलॉट हुआ गवर्नमेंट या MBBS या वेटनरी कुछ भी अलॉट हुआ है गवर्नमेंट प्राइवेट, लेकिन आपके रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्टिंग सेंटर का नाम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैं देखा हूँ ऐसा, जिसके रिपोर्टिंग सेंटर में कॉलेज तो अलॉट हो गया है, मान लो PMCH अलॉट हो गया या किशनगंज को वेटनरी अलॉट हो गया या कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, ठीक है, लेकिन रिपोर्टिंग सेंटर में उस कॉलेज का वहाँ पे नाम नहीं है। कई कितना बच्चों का मैं देखा हूँ कि रिपोर्टिंग सेंटर में नाम नहीं है। कुछ बच्चों का आ रहा है रिपोर्टिंग सेंटर में नाम आ रहा है, कुछ बच्चों का जो है रिपोर्टिंग सेंटर में वहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये मेंशन है वहाँ पे कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। जो भी कॉलेज हुआ है, नालंदा डेंटल कॉलेज या किशनगंज वेटनरी कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसी कॉलेज पर जाना है। आपका जो भी चीज़ है ना सारा उस कॉलेज के पास, जितना भी यहाँ बिहार में जितना भी प्राइवेट गवर्नमेंट MBBS BDS वेटनरी जो भी कॉलेज है वो सारा जो है रिपोर्टिंग सेंटर है। सारा का मेरे पास लिस्ट भी है, सारा रिपोर्टिंग सेंटर है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज पे आपको जाना है, उस कॉलेज पे आपको जाना है। एक ये बात कि बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिपोर्टिंग सेंटर में तो नाम ही नहीं आ रहा, तो ये मतलब बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टेक्निकल एरर की वजह से आपके रिपोर्टिंग सेंटर पे वहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आया है तो अब हो सकता है उसको दोबारा से वापस से डाउनलोड करना मे बी आ जाए, फिर भी अगर नहीं आता तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सेंटर अलॉट हुआ वहाँ पर जाके आपको रिपोर्ट करना है सारा चीज़, आपको जो भी जैसे भी करना है, अपग्रेड करना है तो अपग्रेड में यस करोगे, अपग्रेड नहीं करना चाहते हो तो नो कर सकते हो। या फ्रिज किसको करना है, फ्रिज वो लोग जो चाह रहे थे कि जिसको जो कॉलेज अलॉट हो गया, मतलब मान लो तुमको PMCH चाह रहा था कि हमको मिले, PMCH मिल गया है तो तुमको सीट को फ्रीज करना और एडमिशन ले लेना है, ठीक है, हो गया। दूसरा अब ये बात आता है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, तो अगर आप अपग्रेड किए हो, अपग्रेड में ऑप्शन यस किए हो, तो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको वहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स आपका एक एक करके वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद जो सारा डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आ जाना है। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा, जो लोग भी अभी अपग्रेडेशन में यस किए हो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं भी सबमिट नहीं होगा, ठीक है। वो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपका वेरीफाई होगा और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जो है जीरोक्स कॉपी वहाँ पे सबमिट होगा, जीरोक्स कॉपी सबमिट होगा। अगर कोई सेंटर बोल रहा है कि हमको मतलब नहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपका सबमिट होगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर सकते हो, आप उससे बहस नहीं कर पाओगे, दे देना। लेकिन सारे सेंटर को यही मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि सेंटर पर जो है आपका अगर अपग्रेडेशन में यस है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा और जीरोक्स कॉपी वहाँ पर सबमिट होगा, ओरिजिनल लेके आ जाना है। और जो नया कॉलेज अलॉट होता है वहाँ पे सारा फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ठीक है। और फीस की बात करें तो जो लोग भी अपग्रेडेशन में यस की हो उसको फीस नहीं पे करना है भी। जब आपका अपग्रेडेड सीट जो कॉलेज अलॉट होता है वहाँ पे फीस पे करना है, वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना है, और अगर वही सीट रह जाता है तो वहीं पे जाकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर मान लो किशनगंज तुमको अलॉट हुआ वेटनरी कॉलेज और तुम सीट को मतलब अपग्रेडेशन में यस किए थे, लेकिन अपग्रेडेशन में भी तुम्हारा किशनगंज ही रहता है, तो वहीं पर जाके फीस जमा करना है, वहीं पर जाके सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर देना, वहीं पर एडमिशन लेके कहानी को एंड करना है, ठीक है। इनकेस अगर तुमको BBC पटना अलॉट हो जाता है मान लो, तो फिर पटना में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना और पटना में एडमिशन फीस जमा करना है। अपग्रेडेशन में यस जो भी किया उसको फीस, चाहे प्राइवेट MBBS कॉलेज अलॉट हुआ या प्राइवेट डेंटल कॉलेज या गवर्नमेंट MBBS कॉलेज या वेटनरी या कुछ भी डेंटल, कोई भी चीज़, सबके लिए सब सेम रूल, सबके लिए सभी सेम ही रूल है, ठीक है। तो अभी फीस कहीं किसी को कोई जमा नहीं करना है जो लोग भी अपग्रेडेशन में यस किए हैं, ठीक। और दूसरा बात आ रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हमारा मतलब मैं BSc नर्सिंग कर रहा हूँ या BSc फलाना ढमकाना कुछ भी कर रहा हो कहीं भी कॉलेज में हमें है, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपके पास बाकी सर्टिफिकेट है, नीट का एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, 10th 12th की मार्कशीट है, तो ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, ये लेके आपको जाना है, वो सबमिट कराना है, वो सब चीज़ को वेरीफाई कराना है। अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहा है उसका कैरेक्टर और ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपको बिल्कुल 100% टाइम देगा, ठीक है। अगर वहाँ पे लिखा है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट नहीं हुआ है, तो आपको वहाँ पे टाइम देगा कि आप 15 दिन या 20 दिन का, जनरली 15 दिन का टाइम देता है, 15 दिन का टाइम मिलेगा, तो उस 15 दिन के ड्यूरेशन में आपको वो चीज़ें वहाँ पे जो भी अपग्रेडेड सीट अलॉट होगा वहाँ पे आपको वो सारा चीज़ सबमिट करना है। तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप अकेले ऐसे बच्चे नहीं हो जो कॉलेज में पढ़ रहा है जिसका कैरेक्टर या ट्रांसफर सर्टिफिकेट सबमिटेड है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको कॉलेज अलॉट हुआ और वहाँ से नाम कटवा करके वो चीज़ ले करके आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा।
जाएगा, तो वहाँ से नाम कटवाना है ठीक है, और यहाँ पे सबमिट कर देना। और हाँ, जो लोग भी जिस कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कॉलेज में एक्स वाई जेड कॉलेज में आप कुछ भी कर रहे हो ग्रेजुएशन वगैरह, तो वहाँ का बोनाफाइड आप बनवा सकते हो। बोनाफाइड मतलब कि इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारा यहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट है, तो उस पर प्रिंसिपल या डीन का मोहर सिग्नेचर होना चाहिए। ये अगर बन जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन पा रहा है तो आईडी कार्ड वगैरह कुछ भी होगा कॉलेज का, कोई प्रूफ होगा वो लेके जाना। अगर वो भी नहीं है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो भी आपका है ना बोल देना कि हम कॉलेज में हैं, हमारा ये डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, इस डॉक्यूमेंट्स के लिए हमको इतना दिन का टाइम दीजिए, हम सबमिट कर देंगे। बिल्कुल टाइम मिलेगा, अब उस टाइम में आपको सबमिट करना है, कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है, ऐसा रिजेक्ट वगैरह कर देगा, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बता दिया, फीस रिलेटेड बता दिया, और रिपोर्ट सेंटर से रिलेटेड बता दिया। अब बात आता है फ्री एग्जिट का। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया लेकिन वो एडमिशन नहीं लेना चाहता है, वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, या फिर आपका कोई और ऑप्शन है, कोई और रीज़न है, या कुछ और मतलब क्वेश्चन है तुम्हारा ठीक है। तो जो लोग कभी कॉलेज अलॉट हो गया है, तुम एडमिशन लेना चाहते हो, अपग्रेडेशन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या फिर फ्री एग्जिट करना चाहते हो, कॉलेज के सेंटर पर है ना तुम रिपोर्ट कर सकते हो बिल्कुल। और सेंटर पे रिपोर्ट करने के बाद भी आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। आप जहां से जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आपको, वहां पे जा करके आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए, और अगर एडमिशन नहीं लेना है तो वहां बोल लीजिए हमको फ्री एग्जिट करना है, वहां पे आप जाके भी आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। और एक और बात, फ्री एग्जिट से रिलेटेड जो है बहुत जल्द नोटिस आने वाली है, जैसे ही नोटिस आता है उसके, क्योंकि फ्री एग्जिट से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है बच्चों के मन में, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो है नोटिस आज या कल तक जो है रिलीज़ होगा। जैसे ही नोटिस रिलीज़ होता है क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी जो हम बताएं फ्री एग्जिट से रिलेटेड, आप कॉलेज जाके भी फ्री एग्जिट कर सकते हो, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लो, उसमें आप ग्रेडेशन में यस भी कर सकते हो, नो भी, वहाँ कॉलेज पर जा करके आप फ्री एग्जिट कर लेना, बोलना कि हमको फ्री एग्जिट करना, एडमिशन नहीं लेना, ऐसा कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ होगा, सब कुछ बीसीसी खुद बहुत उसको पता है कि हम कितना गलती करते हैं, तो उसको भी प्रोस्पेक्टस में कोई चीज़ है ना अप डाउन होता रहता है, सब छोटी मोटी चीज़ चलती रहती है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीज़ का सोल्यूशन है। एक और बात, फ्री एग्जिट का जो है जो देखे होंगे प्रोस्पेक्टस में, उसमें दे रखा था डेट 3 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में फ्री एग्जिट का जो है डिस्प्ले पे तुम्हारा नोटिस वगैरह आएगा, और फ्री एग्जिट से रिलेटेड जो है ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे 3 से 4 सितंबर के बीच में जो लोग भी फ्री एग्जिट करना चाहते हैं वहाँ पे ऑप्शन वगैरह रहेगा, आप वहाँ पे जाके फ्री एग्जिट कर सकते हो ठीक है। और फ्री एग्जिट वाले भी फर्दर जो है चॉइस फिलिंग अगर करना चाहता है सेकंड राउंड के लिए तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मुझे लग रहा था बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे थे ठीक है, उम्मीद करते हैं इससे बहुत आप लोग का हेल्प हुआ होगा। जो लोग भी मतलब चले गए हो सेंटर पर पहुँचने वाले हो, जो भी सेंटर आपको अलॉट हुआ है, अगर सेंटर पर नाम नहीं है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कोई काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो मेरा पेड मेंबरशिप ले सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आपको फर्दर अगर अभी तक नहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुछ भी अगर और कोई क्वेरी करना है तो कमेंट भी कमेंट कर सकते हो, जब मैं फ्री होता हूँ तो कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।